नौजवानों को याद करेंगे, गांधीजी को याद करेंगे, नौजवानों के विकास को याद करेंगे और नौजवानों के विकास को अग्रसर करने के लिए अपना गांधी जी। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि बहुत दूर दराज से आए लोग को कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली जो काशी में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, वहीं काशी की छोटी बहन लहुरी काशी के नाम से विख्यात जनपद गाजीपुर में आज देव दीपावली की धूम है। जनपद के प्रत्येक गंगा घाटों पर लोग गंगा में दीप दान कर रहे हैं, तो वहीं गंगा घाटों के साथ ही अपने घरों को भी दीपों से रोशन किया हुआ है। देव दीपावली पर गंगा आरती का विशेष महत्व है और इसी महत्व को लेकर आज गाजीपुर के कलेक्टर घाट पर गंगा आरती का भव्य कार्यक्रम किया गया है और इस कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं के द्वारा बनाई गई रंगोली पर दीपक जलाकर देव दीपावली मनाया गया। अगर हम इस मान्यता की बात करें तो भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और उनके वापस होने पर देवताओं ने दीपावली मनाकर उनका स्वागत किया था और यह परम्परा तभी से चली आ रही है और यह परम्परा अनवरत जारी रहेगा। पहले गाजीपुर जिले के जनपद वासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजन मंडल को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। मैं दिल्ली से चल के आया, मैं सोचा था कोई 200-400 लोग होंगे, लेकिन जो जनता का प्रेम और यहाँ पे स्नेह देख करके लगा, भारत देश जो है हर्षोल्लास का देश है, त्योहारों का देश है और इसीलिए भारत एक श्रेष्ठ भारत है, एक उन्नत भारत है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए क्या लगातार होने चाहिए या क्या होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि उत्सव जो है आपके जीवन में प्रसन्नता लाती है,
उत्सव आपके जीवन में धर्म के प्रति सम्मान लाता है और समाज में भाईचारा लाता है। तो उत्सव केवल एक प्रयोग नहीं होता है, उत्सव के साथ साथ समाज के अंदर बहुत सारी व्यवस्थात्मक कार्य भी होती है, तो ऐसे कार्य समाज में लगातार होने। थैंक यू सर, धन्यवाद। इस देव दीपावली का महत्व यह है कि दीपावली राम के आने के बाद मनाई गई, अब मनाई गई तो उस समय सारी जनता मनाई राम के आने का, अब देवता लोग उसके बाद यह जो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा जिसको कहते हैं यह मास का अंतिम जो आज का दिन है पूर्णिमा का दिन, इस दिन सारे देवता लोग उपस्थित होकर के और देव दीपावली का आयोजन किया। उसमें देव और सारे जनता सारे लोग मिल करके यह देव दीपावली का कार्यक्रम रखा और किया और तब से आज तक यह उत्सव चला आ रहा है लगातार।